दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक इकरार चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नामनी चेंज और अपडेट कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल बैंकिंग। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग होता है उसके थ्रू आप कैसे ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देंगे। और मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको हमने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं जाके। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्ले लिस्ट हमने बनाया है, वहाँ पर हमने कम से कम 15 से 16 वीडियो बना दिया है कि मोबाइल बैंकिंग से लेकर कस्टमर आईडी रिकवर कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड बताते हैं आपको कैसे अपना नामनी चेंज और अपडेट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक इकरार चैनल को और बेल आइकन को हिट करें, ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आपने मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट किया होगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहां पर देख सकते हैं आपसे बोला जाएगा एम पिन डालने के लिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको एम पिन आप यहां पर डाल सके अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो आप नहीं आपके एम पिन आपको नहीं मालूम है तो यहाँ से आप देख सकते हैं फॉरगेट एम पिन पर क्लिक करके अपना फिर दोबारा से बना सकते हैं। तो हमारे पास जो है एम पिन हमारा अपना डाल देते हैं। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि रिडायरेक्ट आपको हो जाएगा, आपका होम पेज पर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका व्यू स्टेटमेंट और मनी ट्रांसफ़र पे बिल, और यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्विस का ऑप्शन है, और ये आप देख सकते हैं DOP सर्विस, DOP यानी पोस्ट ऑफिस का जो सर्विस है यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर जो सर्विस का ऑप्शन है फ्रेंड, ये सर्विस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर चेक बुक का ऑप्शन आ जाएगा, चेक बुक है यहाँ पर, MMID जनरेट कैसे करना है हमने वीडियो बनाएंगे एक आपके लिए। और यहाँ पर नामनी अपडेट का ऑप्शन आता है, अब यहाँ पर आपको पेन कार्ड ऑप्शन का आता है, देख सकते हैं आपको पूरा जानकारी दे देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं DBT आधार सेंडिंग, यहाँ पर अपना आधार का जो भी आपने DBT आप यानी सरकारी सब्सिडी चाहे कोई भी गैस का कोई भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ईमेल अपडेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट क्वार्टरली आप सेट कर सकते हैं, ईयरली मंथली जो भी आप सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपके बहुत सारे ऑप्शन आता है, तो आपको क्या करना होगा नामनी अपडेट करने के लिए, आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये आप कुछ अब देख सकते हैं अपडेट नामनी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो भी नामनी का नाम है, अपने नामनी का जो भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमारा जो नामनी का है आप देख सकते हैं नामनी का नाम यहाँ पर देंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं नामनी का नाम। अब नामनी का जो डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर पर आप क्लिक करके आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ अलग इंटरफेस आ जाएगा। तो आपका जो नामनी का मंथ है यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, अब यहाँ पर ईयर जो है यहाँ पर कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर ईयर जो है अपना सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं नामनी का पूरा जो भी है सब कुछ आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। आप देख सकते हैं सब कुछ सही है तो आपको तारीख जो है वहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऑप्शन आता है, यानी नामनी आपका क्या है सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका नामनी रिश्ते में आपका क्या लगता है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन है आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी आपने आपका जो नामनी आपका लगता है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि नामनी का एड्रेस और जो आपका अकाउंट है उसका एड्रेस आपका जो जैसे जिसके अकाउंट से आपका जो है तो उसका सेम है, तो आप इसको टिक मार कर लीजिएगा, और नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर बताया जाता है एड्रेस लाइन 1 लाइन 2, आप यहाँ पर पिन कोड देना होगा। तो हमारे केस में ये है कि हमारा जो नामनी का और हमारा एड्रेस दोनों सेम है, तो हम इस पर टिक मार्क करेंगे इस पर। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस समथिंग अप्ली यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, तो जो भी हमारे एड्रेस में होगा यहाँ पर आ जाएगा नामनी का जो भी आप हमारा होगा अकाउंट का। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा,
अपडेट का ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। अपडेट पर हमने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म जैसे करेंगे तो रजिस्टर मोबाइल नंबर जो भी आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में रजिस्टर किया होगा उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो एंटर कर दिया है, अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी है आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एंटर कर लेना होगा। तो हमने सबमिट यहाँ पर कर दिया है, आप देख सकते हैं सक्सेसफुली नामनी ऐड हो चुका है। तो आप ऐसे ही आप 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो नामनी है चेंज हो जाएगा। और किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में बताएं कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, किस तो बैंक पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो आता रहता है डेली, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होम पर क्लिक करके फिर दोबारा अपने होम पेज पर आ सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नामनी 24 घंटे के अंदर अंदर अपडेट हो जाएगा। तब तक ले ठीक है, बाय, थैंक यू।